नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, ऑटोमोबाइल्स दुकानदारों पर मारा गया छापा, मरवाही में आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा बदहाल। बस्तर जिला में विगत कई दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते नदी नाले के पानी उफान पर है। जिले के बहुत से गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिनका संपर्क जगदलपुर मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं बस्तर के जीवनदायिनी इंद्रावती नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है, जिससे विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात एवं तीरथगढ़ जलप्रपात अपने पूरे शवाब पर है। मानसून आने के बाद से ही बरसात के दिनों में जलप्रपातों की छटा देखने को ही बनती है। चित्रकूट एवं तीरथगढ़ के मनोरम दृश्य को बरसात में काफी संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं। जांजगीर चांपा में कैस्ट्रोल इंजन ऑयल दिल्ली की टीम ने जांजगीर नैला के ऑटोमोबाइल दुकानों में छापा मारा और बड़ी मात्रा में नकली इंजन ऑयल जब्त कर लिया। इसी के साथ सुनील ऑटोमोबाइल सहित अन्य दुकानों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल दुकानदार लंबे समय से क्षेत्र में नकली इंजन ऑयल बेच रहे थे, जिसके बाद अब जाकर पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। सरकार आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधाओं का भले ही दमखम भर रहा हो, पर छत्तीसगढ़ के नव निर्मित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में आपातकालीन एम्बुलेंस की सुविधा की बदहाली की गवाही चीख चीख कर रही है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में आपातकालीन एम्बुलेंस 102 की सुविधाओं की व्यवस्था बेहद खराब है। यहाँ के एम्बुलेंस 2.5 साल से बिगड़े पड़े हैं। आए दिन आपातकालीन एम्बुलेंस से कर्मचारी के गैर जिम्मेदार रवैये और मनमानी से मरवाही क्षेत्र में आदिवासी दूर अंचल की प्रसूति गर्भवती महिलाओं को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा प्रसूति महिलाओं के परिजनों को इलाज के लिए दूर अंचल आदिवासी क्षेत्रों से बाइक में आना पड़ता है। जनहित की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही के BMO डॉक्टर हर्षवर्धन मेहर से बातचीत की गई, तो उन्होंने 2.5 साल से बंद होने का हवाला देते हुए शीघ्र व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। अब देखना यह होगा कि जनहित की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा कब तक संज्ञान लिया जाता है। क्या नाम है माता राम आपका? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? किसको लेके आए थे आप? तो किसमें लेके आए हैं आप गर्भवती को? बाइक में लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस? अरे एम्बुलेंस को करे फोन जी, 112 को लगाए जी, तो भी नहीं आए। क्या बोले एम्बुलेंस वाले? एम्बुलेंस वाले बोले कि अभी गाड़ी बिगड़ा है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।